बाड़मेर शहर में अब आवारा पशुओं के आतंक से हर आम व खास परेशान है। नासूर बन चुकी इस समस्या का दूर तलक कोई समाधान नहीं दिख रहा। नगर परिषद द्वारा बार बार किए जा रहे दावे धरातल पर फैल साबित होते नजर आ रहे हैं। शहर की तंग गलियों से लगाकर मुख्य मार्ग व चौराहे आज भी आवारा पशुओं से अटे पड़े हैं। कई बार इनकी जोर आजमाइश और धमा चौकड़ी से लोग चोटिल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं, लेकिन नगर परिषद इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने में आज तक विफल रही है। आवारा पशुओं से परेशान थार नगरी के बासिंदों को तमाम दावों के बावजूद राहत नहीं मिल रही। इन दिनों शहर में आलम यह हो गया है कि जगह जगह आवारा पशुओं की टोलियां नजर आ जाती है, जो कई बार शहरवासियों के लिए हादसे का सबब भी बन जाती है। बाड़मेर शहर में अब आवारा पशुओं के आतंक से हर आम व खास परेशान है। नासूर बन चुकी इस समस्या का दूर तक कोई समाधान नहीं दिख रहा। नगर परिषद द्वारा बार बार किए जा रहे दावे धरातल पर फैल साबित होते नजर आ रहे हैं। शहर की तंग गलियों से लगाकर मुख्य मार्ग व चौराहे आज भी आवारा पशुओं से अटे पड़े हैं। कई बार इनकी जोर आजमाइश और धमा चौकड़ी से लोग चोटिल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं, लेकिन नगर परिषद इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने में आज तक विफल रही है। हालांकि नगर परिषद की ओर से 8 वर्ष पहले कांजी हाउस बनाकर पशुओं को उसमें रखा गया, लेकिन शहर में पशुओं की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि कांजी हाउस लंबे समय तक चल नहीं पाया। इसके बाद 5 वर्ष पहले कुशल वाटिका के पास नंदी गौशाला बनाकर आवारा पशुओं को पकड़ने के अभियान चलाए गए और पशुओं को नंदी गौशाला में रखा गया, लेकिन बार बार के धरपकड़ अभियान के बावजूद शहरवासियों को अब तक राहत फिर भी नहीं मिल पाई है। बाड़मेर शहर में जगह जगह आवारा पशु घूमते नजर आ जाते हैं। इन आवारा पशुओं की धमा चौकड़ी दिन भर चलती रहती है। इनकी चपेट में आकर कई लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं तो कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, और तो और कई वाहन भी इन आवारा पशुओं की जोर आजमाई से क्षतिग्रस्त हो गए। इन सब समस्याओं के बावजूद नगर परिषद आवारा पशुओं की समस्या से शहर को अब तक निजात नहीं दिला पाई है।